चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की इवनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी की इच्छा भी थी कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो, तो पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो हमारा ओगर का पार्ट फंसा हुआ था, उसको निकालने के बाद में जो 1.9 मीटर काटा था, उसके अंदर तीन किश्तों में सबसे पहले 220 mm पुश किया गया, तो वो हो गया। वो जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट था कि कहीं लगभग ढाई दिन से ज़्यादा हो गया है, जो पाइप है उसको कहीं शेप लेकर के थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, सेटिंग ना हो गया और आगे पुश ना हो पाए, जिसके लिए चिंता थी कि हमें और अल्टरनेट पे जाना पड़ सकता है, तो अभी संभवतः नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद 500 mm पुश किया गया। मतलब जैसे आप समझ पूछ भी रहे थे कि भाई जो रेट माइनस टेक्निक क्या होती है, मतलब जो भी है, देयर नॉट रेट माइनस बट रेट माइनस टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया, उन्होंने क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया, तो 200 mm, मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले दो घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे जो 500 mm पुश किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि पुश करने में उसमें सिर्फ 5 मिनट लगे। वो 500 mm पुश करने में अराउंड 5.5 मिनट्स का टाइम लगा मशीन को, लेकिन उसके आगे का मख हटाना, उसके आगे अब जैसे हो सकता है कि आगे की जैसे पिक्चर आप लोगों ने कुछ देखी है, सरिये और डिफरेंट काइंड ऑफ जो गर्डल स्ट्रक्चर, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, पाइप्स हैं, उसको काटने में, उसको क्लियर करने में हो सकता है 1 मीटर में 4 घंटे भी लग जाएं, हो सकता है कि 1 मीटर में आधा घंटा भी लगे, लेकिन हो सकता है 5 घंटे भी लग जाएं। तो जो आप लोग कह रहे थे, वो काम स्टार्ट हो गया है। मैनुअल प्लस पुशिंग वाला जो है ना, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि काम स्टार्ट उसमें ये हो गया है कि क्लियर करते हैं हाथ से, तो मैनुअली हाथ से क्लियर करके उसको अगर कहीं भी दिक्कत आती है, उसको मशीन से, अभी बीच में छोटे सरिये थे तो उनको काट दिया गया। तो इट विल वर्क लाइक दिस, जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयाँ आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको कर पाए। सेकंड जो बाकी हैं अल्टरनेट, उसके लिए मैं चाहूँगा महमूद सर से कि आप इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। दूसरा, पहले मैं बता दूँ कि हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। हमें आप और 50 मीटर के लगभग हमें करना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि टोटल 86 मीटर उसमें जाना है, तो वो काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। और जहाँ तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस एक दो चीज़ इतना ही ऐड करूँगा कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा। तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। तो हमारा ये मतलब ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं, लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहाँ भी गर्डर, वहाँ भी फोर पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते हैं आइटम। अभी भी जो कट हुआ के पुश तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो हमने क्लीन किया मग जो आए, उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स आए और वो सब काटने में थोड़ा समय लगा। तो 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद, वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा। और फिर हम उसको रिव्यू कर रहे हैं रेगुलरली, हम देख रहे हैं, जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे साइमल्टेनियसली। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते रहें।